यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की विधायकी बची रहेगी। उनकी कुर्सी बचाने के लिए वकीलों ने पुराने आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाने की दलील दी और जज ने इसको मान भी लिया, क्योंकि केस 31 साल पुराना था, इसलिए आर्म्स एक्ट 1959 के तहत सजा सुनाई गई। वकीलों का कहना है कि आर्म्स एक्ट 2019 में संशोधन हुआ था, इसमें कम से कम 2 साल की सजा तय की गई थी। तो वहीं नियमों के अनुसार 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। तो वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट रही। आपको बता दें कि कोर्ट से सजा की फाइल लेकर भागने के मामले में कोर्ट की तरफ से तहरीर दी गई थी, मगर 2 दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि जांच की जा रही है। वहीं कैबिनेट राकेश सचान के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। CBI ने एक FIR दर्ज कराई थी, जो CBI लखनऊ स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 2 मुकदमा कानपुर कोतवाली में आर्म्स एक्ट 1996 में घाटमपुर में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा और कोतवाली थाने में जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा, जहानाबाद में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा, कुल 6 मुकदमे राकेश सचान के खिलाफ दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।